नाउ ऑडिबल ऑडिबल है गुड आफ्टरनून जी ओके okay जी सो आई वेलकम यू ऑल इंटू सेशन ऑफ योर मेगा रिविजन सीरीज जहाँ पर हम बात कर रहे हैं हमारे एग्ज़ाम पी जी टी कमीशन की और जो आपका सब्जेक्ट है दैट इज योर बायोलॉजी। अब आई होप कि अब स्क्रीन भी क्लियर है और जो वॉइस है वो भी क्लियर है गुड आफ्टरनून एवरी वन सो आई होप दैट योर प्रिपरेशन इज गोइंग वेल आपका जो रिविजन है वो बहुत अच्छे से जा रहा होगा आप लोगों ने हिंदी का पेपर देखा होगा या सुना होगा कि किस तरीके से हिंदी का पेपर आया है पेपर का पैटर्न क्या रहा है आपका जो पेपर वन हुआ है उसके अंदर क्या आपके पैटर्न रहे हैं किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं और जो आपका पेपर टू है यानी कि जो स्पेसिफिक है सब्जेक्ट स्पेसिफिक है अगर मैं सब्जेक्ट की बात करूँ तो उसके अंदर जो हिंदी का पेपर आया वो भी बहुत में पेपर आया है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बाहर से पेपर आया होता है। तो एक चीज हमेशा रखना लाइन टू लाइन जब आप रीड करें, करें, करेंगे तो एटलीस्ट उसका मतलब समझ के उसको रीड करना अगर कोई कंक्लूजन है कोई क्रक्स है तो उसको एक बार जरूर दिमाग में रखना क्योंकि मैंने पहले भी ये चीज़ कही थी कि कोई भी सब्जेक्ट हो एच जो है वो अपना लेवल हमेशा मेंटेन करके रखता है क्योंकि वो एच है अपना लेवल डेफिनेटली मेंटेन करेंगे उसके साथ साथ वो क्या करेंगे कि वो आपको एटलीस्ट जो क्वेश्चंस आपके होंगे वो ऐसे होंगे जो आपने काउंटर किए होंगे तो बायो में भी सेम होने वाला है बायोलॉजी का जो पेपर आपका आने वाला है ऐसा नहीं होगा कि बहुत डिफिकल्ट होगा बट डिफिकल्ट क्यों होता है या क्यों लगेगा आपको डिफिकल्ट क्योंकि हम कुछ चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं मैं फिर से आपसे बता रही हूँ आपको जैसे कि कोई जैसे मान लीजिए आपका राइबोजूम है अगर मैं क्वेश्चन की एग्जाम्पल की बात करूँ तो जैसे हम एक लाइन होती है सबसे पहली लाइन होती है इट इज थिक एमोफस कोलोइडल क्रिस्टलॉइड कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स जो होती हैं प्लीज मेक श्योर कि आपको वो चीजें पता हो जब आप किसी स्ट्रक्चर की बात करते हैं चाहे आप वो आपके फोटोसिंथेसिस के प्लांट्स का स्ट्रक्चर पढ़ लीजिए लीव का पढ़ लीजिए फ्लावर का पढ़ लीजिए कोई भी या ऑर्गेनल देख लेना एक बार देखना जरूर उस चीज को ठीक है कि वो किस तरीके से आपका आता है ठीक है जी ओके okay जी तो गुड आफ्टरनून एवरी आई होप डेट इज ऑनलाइन नाउ सो एक आपका जो आज का टॉपिक रहने वाला है दैट इज योर प्लांट रिसोर्स एंड डेवलपमेंट अब ये वाला जो पोर्शन है आपका दिस इज वेरी मच स्टैटिक वन बहुत ही ज्यादा स्टेटिक पोर्शन है यानी मैंने आपसे पहले भी कहा था कि इसके अंदर आपकी कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपकी डाइवर्सिटी वन के अंदर है ठीक है तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं हो सकता है कि आपको डायरेक्ट क्वेश्चन भी पेपर में आ जाए क्योंकि ये वाला जो यूनिट है वो बहुत ही स्पेसिफिक है जैसे परफ्यूम के अंदर कौन से ऑयल्स यूज होते हैं यानी असेंशियल ऑयल्स आपको पता होने चाहिए गुड आफ्टरनून अंजलि तो कुछ ऐसे टॉपिक्स हम आज करेंगे ठीक है तो बहुत ही डायरेक्ट होगा और हो सकता है मैक्सिमम क्वेश्चन आपको ऐसे लगे कि ये समझ नहीं आ रहा है क्वेश्चन जो है वो हमने काउंटर नहीं किए हैं क्योंकि वो कमर्शियल यूजर्स के ऊपर है राइट तो होपफुली आपको आता भी होगा ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि ये ये टॉपिक जो 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 है ये जो है है यूनिट वो बहुत ही ज़्यादा स्टैटिक तो अभी जो हमने सेशन स्टार्ट किए हैं हमारा जो हमारा जो लास्ट फ्यू डेज से चल रहा है रिविजन सीरीज का उसमें आपका जो है दिस इज आई थिंक इसके बाद इकोलॉजी रहती है एक तरफ और एक तरफ आपका प्लांट रिसोर्स अब सिर्फ इकोलॉजी बचती है आपकी ठीक है सो दिस इज अ आप एनरोल हो सकते हैं इफ यू वू गेट एनरोल उसके बाद अगर आप एनरोल होना चाहते हैं तो नंबर आपको जो है दिस इज गिवन ऑन द स्क्रीन ये आपका स्क्रीन पर नंबर रहा और ये आप हमारी एप से उसको आप पहले ऐप को इंस्टॉल कीजिए इंस्टॉल करने के बाद लॉग इन करने के बाद आप ऑटोमेटिकली कोर्सेज के साथ कनेक्ट हो जाते हैं जब भी आप कनेक्ट होते हैं आपको कुछ फीचर्स हैं वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे जब भी आप कोई कोर्स परचेज़ करते हैं उसके अंदर आपको मेंटरशिप मिलेगी यानी आपको जो टीचर है वो वन ऑन वन आपके साथ इंट्रैक्ट भी करते हैं लाइव ऑनलाइन क्लासेज है स्टडी मटेरियल है आपका हार्ड एंड सॉफ्ट कॉपीज के अंदर मॉक टेस्ट अवेलेबल है फ्री करंट अफेयर क्लासेज जो होती है या मैगजीन्स जो हैं सॉरी स्पेसिफिकली मैगजीन्स वो आपको डेली बेसिस या वीकली बेसिस मंथली बेसिस पर मिलती है और आपके वीकली डाउट सेशन होते हैं जहां पर आप अपने डाउट्स को लेकर आते हैं ठीक है सो आई होप इज फेमिलियर विद दैट एंड सबको रिप्लाई करना है चाहे आए क्वेश्चन चाहे ना आए गिव अ इंस्टिंक्ट चेक योर इंट्यूशन ठीक अगर अब ऐसा ही होगा जिसको तुक्का कहते हो एक बार चेक जरूर करना कि इन क्वेश्चन में लग रहा है या नहीं लग रहा है ओके सो ऑल द वेरी बेस्ट एंड आई वॉन्ट एवरीबडी टू पार्टिसिपेट टू पार्टीपे क्लास अब तो मुझे बोलने की जरूरत नहीं है क्योंकि एवरीबडी डू दैट तो वो सब करते हैं तो ऑल द वेरी बेस्ट फर्स्ट क्वेश्चन इज रूट सक्र्स आर तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ऐसा है जो ओवरऑल भी आप देखोगे तो आपने सक्कर जो है वो पढ़े हैं स्टेम मॉडिफिकेशन रूट मॉडिफिकेशन ये टॉपिक हमने किए हैं और वो प्लांट्स के अंदर किस तरीके से हेल्पफुल होते हैं तो पहला क्वेश्चन

क्या है ये इंसेक्ट है रूट है स्टेम है या फिर एक नया प्लांट है कुछ ऐसा मतलब कि मैंने ये क्वेश्चन रखने का रीजन है मैंने हिंदी का पेपर देखा तो मुझे ऐसा लगा है कि आ, आपको भी ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं ठीक है बी ओके बी इज आंसरिंग अबाउट दैट इट इज अ शूट दैट अराइजेस फ्रॉम द रूट्स टू फॉर्म अ न्यू प्लांट ओके चलिए वेटिंग सम मोर आंसर्स B, B. yes, the correct answer is your B. That is, your That they are the shoots जो arise होते हैं आपके roots से ताकि वो नया plant बना सके And that's like, जो sucking insects होते हैं जैसे हमने पहले insects की बात की है तो वो remove करते हैं cell content को ठीक है तो अगर आपको sucking insect पर question आता है ठीक है अब मुझे इस चीज का बहुत ज्यादा वो हो गया है कि अगर पेपर में आपको यू कैन एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम दी एच पी पी एस सी तो जो पेपर कंडक्ट करवा रही है वो बायो का पेपर होगा सिंपल बट इतना सिंपल नहीं होगा जितना हमें लग रहा है ठीक है या आप में से किसी को लग रहा होगा कि पीजीटी में ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते पीजीटी में कैसे क्वेश्चंस आते हैं आप एक बार जाकर हिंदी वालों से पूछना जिन्होंने हिंदी का पेपर दिया है उनको आपको समझ आ जाएगा सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चंस उसके अंदर कैसे आए हैं ऐसा कुछ होगा देखो मैं आपको सिनेरियो बता देती हूँ ऐसा कुछ होगा कि आपको लगेगा आपने टॉपिक पढ़ा भी है और आपको आंसर आ भी नहीं रहा एंड यू आर गेटिंग कंफ्यूज ऐसी सिचुएशन आने से अच्छा है आप एक-एक टॉपिक को जो भी आप टॉपिक्स ले रहे हो जो भी करो देखो 100% सिलेबस करके जाना इज ओके बट अगर आप 90% सिलेबस करके जाते हैं वो 90% आपके हाथ में होना चाहिए 90% में से कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको सॉल्व करने में इतनी एबिलिटी होनी चाहिए इतनी पोटेंशियल बनानी पड़ेगी आपको ओके okay? सो देआर यूर सकिंग इंसेक्ट्स जो होते हैं जो पहले ऑप्शन के अंदर है हमारे वो बेसिकली आपके सेल कंटेंट्स को रिमूव करते हैं या सैप को रिमूव करेंगे तो ये बेसिकली प्लांट्स को वीकन कर देते हैं तो सक्कर ऐसा नहीं है सकिंग इंसेक्ट्स जो हैं वो आपके स्लाइवरी फ्लूड्स को जो है अपने स्लाइवा uh, saliva से सिलाइवरी फ्लूड से प्लांट्स के अंदर उसको इंट्रोड्यूस करते हैं एसेक्शुअल या वेजिटेटिव जो आपकी प्रोपिगेशन है जो कि आपका एक रिप्रोडक्शन का पार्ट है उसके अंदर एक प्लांट का पार्ट होता है जैसे कि लीव हो गया स्टेम है ब्रांच है कुछ भी हो सकता है तो नया प्लांट बनाने में हेल्प करते हैं जिन्हें हम सैपलिंग कहते हैं तो प्लीज मेक श्योर दैट दिस इज योर मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ये आपका बन जाता है एक और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ठीक है तो एक्सप्लेनेशन से भी सैपलिंग पे आपको क्वेश्चन आ सकता है ओके सो सबका आंसर ठीक था दैट्स गुड नेक्स्ट क्वेश्चन क्रायो प्रिजर्वेशन इज अ टेक्निक यूज्ड फॉर प्रिजर्वेशन एक टेक्निक है जो कि हम बेसिकली प्रिजर्वेशन के लिए यूज करते हैं फॉर द प्लांट्स किसके लिए यूज करते हैं हम किस चीज के लिए यूज की जाती है क्रिस्टलाइजेशन ऑफ फूड के लिए फूड पैकेजिंग सीड सेविंग या प्रिजर्वेशन ऑफ एक्सेस प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल्स तो किस चीज के लिए आप क्रायो प्रिजर्वेशन करते हैं इसके लिए पहले आपको ये पता होना चाहिए क्रायो प्रेजर्वेशन क्या होती है अगर आपको वो स्पेसिफिक चीज़ पता है, फिर आपको माइनस वन नाइंटी सिक्स डिग्री आपका जो नाइट्रोजन का नाइट्रोजन को करते हैं माइनस वन नाइंटी सिक्स डिग्री सेल्सियस पे दैट इज एट लो टेम्परेचर कम टेम्परेचर पे हम उसको प्रिजर्व करते हैं दैट्स गुड हां जी सो दिस इज प्रिजर्वेशन एंड ऑफकोर्स दिस इज फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ योर सीड सेविंग सीड्स को सेव करने के लिए फॉर द फ्यूचर यूज या उसकी वायबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए ताकि वो जब आगे हम उसको यूज कर सके फॉर द जर्मिनेशन एंड द फर्टिलाइजेशन या जब नए प्लांट्स बुलाने के लिए हम उसको यूज करें तो उसकी जो एक पोटेंशियलिटी है जो उसकी कैपेबिलिटी है टू जर्मिनेट एंड टू प्रोड्यूस द न्यू प्लांट्स वो वैसा ही रहे सो इट इज बेसिकली फॉर सीड्स नेक्स्ट क्वेश्चन प्लांट अब देखो ये थोड़ा किसके ऊपर है थोड़ा सा केस स्टडीज टाइप है कि एक प्लांट है जो कि रिचेस्ट सोर्स है प्रोटीन्स का अमंगस्ट दैग्यूम्स तो लेग्यूम्स की फैमिली में दिस प्रोटीन या दिस प्लांट इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन्स जिसे हम वंडर बीन भी कहते हैं ओइन टू इट्स न्यूमरस वंडरफुल यूज तो वो कौन सी बीन है ठीक है तो दिस इज फ्रॉम योर बेसिकली लाइक पल्सेस तो ये इकोनॉमिक जो आपकी इंपॉर्टेंस है या आप इसको इकोनॉमिकल इकोलॉजिकल जो भी आपके इश्यूज हैं या सॉरी जो आपके वो हैं है यूजेसर नॉट इश्यूज दे आर द यूज वहां पे आपकी यूज होती है तो बेसिकली आपको ये बताना है कि वंडर बीन किसे कहा जाता है किडनी बीन क्लस्टर बीन सोयाबीन या चिकपी किसे कहा जाता है वंडर बीन अब ये बड़ी स्टैटिक से क्वेश्चन हैं एक्सप्लेनेशन की बात ही नहीं पर all, also known as, other name क्या है कौन सी स्पाइस कहा इंसेक्टिसाइड्स में कौन यूज है, बा, होते हैं परफ्यूम में कौन से प्लांट्स यूज होते हैं यही आपके यूनिट फोर के अंदर मैं बस अर आपको यही करना है सी दैट इज सोयाबीन ओके द करेक्ट आंसर इज दी दैट इज सोयाबीन बिल्कुल सही आंसर है सोयाबीन को कहा जाता है वंडबीन क्योंकि इसके पास जो आपका प्रोटीन कंटेंट है वो सबसे ज्यादा होता है ठीक है फिर आते हैं आपके क्लस्टर बीन्स तो ये रिच सोर्स ऑफ डाइटरी फाइबर्स हैं देखो फाइबर जो होता है ना वो आपके बेसिकली मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को इंक्रीज करता है तो डाइट फाइबर्स जो होते हैं वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को इंप्रूव करते हैं तो अगर डाइट अगर आप डायट्री फाइबर की बात करते हैं तो वहाँ बीन्स आते हैं तो ये आपके क्या करते हैं बोवल मूवमेंट को इंक्रीज करते हैं रिलीफ देते हैं फ्रॉम द कॉन्स्टिपेशन एंड बेसिकली हेल्प इन रिमूविंग दी ट फ्रॉम द बॉडी तो ये हो गई आपके कौन से क्लस्टर बीन फिर एक आपका एक है पेगमेंट इज लेसिथीन जो कि बना होता है सोया बीन से और इसको ओपन यूज किया जाता है एज अ चॉकलेट बेग गुड्स ठीक है मार्ग्रीन सॉसेस चीज एंड डेयर प्रोडक्ट में आपका लेसिथीन यूज किया जाता है फिर चिक्पी जो है उसको आप सैलड सूप्स या स्ट्यूव में यूज करते हैं और इसको आप जो है Obviously, ये भी मीट वो है आपका रफ एज की तरह यूज करते हैं हाँ जी फाइबर्स आर रफ फाइबर ठीक है तो इनको हम इस तरीके से यूज करते हैं तो आई होप दैट दिस दिस इज इज वन क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन अ स्पाइस विच इज नोन एज द किंग ऑफ स्पाइसेस आल्सो टर्म्ड ब्लैक गोल्ड ऑफ इंडिया ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं आपको एक या आधा क्वेश्चन ऐसा बन सकता है इस यूनिट से एक क्वेश्चन आपको आ, हो सकता है एथनो बॉटनी पे आ जाए चांसेज हैं कि एक दो क्वेश्चन आपको वहां से आ जाएंगे एक दो क्वेश्चन हो सकता है कि परफ्यूम में से आ जाए और एक दो क्वेश्चन आपको ऐसे किंग्स में से मतलब ये जो मैं आपको एक्सेप्शन बता रही हूँ ये तीनों टॉपिक में से कोई एक टॉपिक आएगा या तो एथनोबोट नहीं आएगा या स्पाइसेज आएगा या परफ्यूम नहीं आएगा ऐसा कुछ एक एक से दो क्वेश्चन हां जी किंग ऑफ स्पाइसेस जिसे हम ब्लैक गोल्ड ऑफ इंडिया भी कहते हैं सेफरन क्लोव कार्डमम ब्लैक पेपर तो बहुत ही सिंपल सी चीज है हां जी ब्लैक पेपर डी कार्डिमम प्रिया के अकॉर्डिंग इट्स सी दैट इज कार्डिमम ओके और किसी को कोई रिप्लाई करना हो हाँ जी ए बी सी या फिर डी ओके सो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी दैट इज ब्लैक पेपर ठीक है ब्लैक पेपर को कहा जाता है आपका जो कार्डम है वो कंटेन करता है आपके मेडिसिनल प्रॉपर्टीज ग्रेट टेस्ट ऑफ फ्रेग्रेंस के लिए होता है और इसे कहा जाता है क्वीन ऑफ स्पाइसेज ठीक है तो प्रिया वॉज करेक्ट बट इट इज नॉट अंग इट्स अ क्वीन

कोई बात नहीं इट्स ओके कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी देखो एक और चीज कर लेना इफ यू कैन डू दैट ठीक है अगर आप कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है आपको क्या करना है आपको इनके बोटानिकल नेम्स भी कर लेने जो मैंने यहां ऑप्शन दिए हैं आपके पास बोटानिकल नेम्स हो सकता है कि आपको बोटानिकल नेम्स पे एक क्वेश्चन के चांसेस है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन इज वन ठीक है तो मुझे ऐसा है कि मान लीजिए आपके बायो के अंदर 80 क्वेश्चन पेपर आएगा 80 क्वेश्चंस होंगे आपके सो माई टारगेट इज अबाउट 75 फाइव एटलीस्ट सेवेंटी टू सेवेंटी फाइव क्वेश्चन आपके करेक्ट होने चाहिए आपको आते होने चाहिए इतना इतना नंबर ऑफ क्वेश्चन ये पांच नंबर वाले वो हैं जहां साइंटिस्ट हम कंफ्यूज हो जाते हैं साइंटिस्ट का हमें नहीं पता होता है या ऐसे बोटानिकल नेम्स आ जाता है आयुसीएन ठीक है ऐसा और हो सकता है आपको इकोलॉजी से रेड डाटा बुक पे क्वेश्चन आ जाए आई पे नंबर ऑफ चांसेस हैं कि इकोलॉजी से आपको मैक्सिमम क्वेश्चन आ सकते हैं इकोलॉजी एंड एवोल्यूशन आपको करके जाना है इकोलॉजी एंड एवोल्यूशन ये जो आपकी दो चीजें हैं इन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से करके जाना दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन यहां से डेफिनेटली आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस आने वाले हैं ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन वन ऑफ द स्ट्रोंगेस्ट स्ट्रक्चरल फाइबर्स विच इज बिंग यूज फॉर मेकिंग टी बैग्स तो ये जो चाय के वो चाय पत्ती होती है ना उसके बैग्स बनाते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट फाइबर जो हम यूज करते हैं डिप वाली चाय जो आप पीते हैं उसमें जो आपके फाइबर्स यूज किए जाते हैं स्ट्रक्चरल फाइबर्स वो कहाँ से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं मनीला हम्प जूट सन हम्प या फिर कॉटन विच वन इज बींग यूज एज द फॉर द मेकिंग ऑफ टी बैग्स चाय पत्ती होती है ना जो डिप करके आप वो चाय पत्ती आती है उसमें जो डिपिंग में जो वो आपकी जिसके अंदर चाय पत्ती होती है दैट इज योर फाइबर ठीक है तो वो फाइबर बताना है कि वो कहां से एक्सट्रैक्ट होता है बी जूट मनीला हम्प सटन सन हम्प या फिर कॉटन या फिर जूट ए बी सी या फिर डी सो मैक्सिमम आंसर्स इज लाइक भी है ए भी है सी भी है डी रह गया कॉटन कॉटन तो नहीं होगा ए बी सी में से आप लोगों के चांसेस हैं कि आप कह रहे हो ए भी हो सकता है बी भी हो सकता है और सी भी हो सकता है सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए मनीला हम्प या hemp, जिसको आप कहते हो इट्स हेम्प जो कि यूज होता है आपका किसके लिए फाइबर्स के लिए सो कवर क्रॉप और ग्रीन आपके कवर क्रॉप सन हेम्प्रूव दॉपर्टीज तो हम देख लेते हैं कि हम्पीली क्या है ये की तरह या जब सॉइल की प्रॉपर्टीज को यूज करते हैं फिर वहां पर सन हेम्प इज इम्पॉर्टेंट ठीक है और ये सॉइल की रोशन को रिड्यूस करता है सॉइल के वाटर को कंजर्व करता है और रिसाइकिल करता है प्लांट के न्यूट्रिय को सो इफ यू गेट एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन इफ यू फेस एनी का एग्जाम जो कि बेसिकली सोयल से रिलेटेड हो तो सोयल से रिलेटेड होगा आपका सन हेम्प ठीक है कॉटन वर्ल्ड का फेवरेट नेचुरल फाइबर है जो कि आपका ब्यूटी कंफर्ट ड्यूरेबिलिटी पिलोज और ये बेसिकली आपके जो टेक्सटाइल्स इंडस्ट्रीज में यूज होता है जूट जो है वो फैब्रिक्स के लिए होता है जैसे कि हेसिन क्लॉथ सैकिंग स्ट्रीम कारपेट बैकिंग क्लॉथ या फिर कैनवास इनके लिए यूज होता है एंड जो आपका है इट इज बेसिकली यूज फॉर दी फॉर्मेशन ऑफ योर टी बैग्स ठीक है तो आज के सेशन में अगर आपको क्वेश्चंस नहीं भी आते हैं सो इट इज कम्प्लीटली फ्रॉम माय साइड आई हैव नो एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम यू ऑल ठीक है इज फॉर द टूडेज सेशन ओनली ठीक है ये सिर्फ एक ऐसी यूनिट है जहां मैं आपको एक्सक्यूज कर सकती हूँ क्योंकि यू नेवर नो कि यहाँ से कौन सा क्वेश्चन आ जाएगा और ये एक ऐसी यूनिट है जिसको आप जितना मर्जी कर लो फिर भी कुछ ना कुछ रह जाएगा ठीक है सो इट्स ओके अगर आंसर्स ठीक भी नहीं हो रहे सो यू डोंट हैव टू गेट वरी अबाउट इट राइट तो परेशान नहीं होना है बस ये वाले क्वेश्चन कर लो ठीक है और क्वेश्चन भी हम वापस रिपीटेडली करेंगे तो जितने ज्यादा हम क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन उसी में से अगर आ गया, तो वेल एंड गुड बहुत अच्छी चीज है क्विंस ऑफ कमर्स के लिए कौन सा सोर्स इसमें यूज होता है या इंपॉर्टेंट है दैट इज टर्मरिक सिलेमन जिंजर या नटमैग से आप क्विल्स ऑफ कमर्स की तरह जो है वो रिगार्ड करते हैं सोर्स कौन सा है आपका क्वील्स ऑफ कॉमर्स के लिए टर्मरिक सिनेमन जिंजर या नटमेग ठीक <laughs> है सिनेमन जिंजर या नो no मतलब सबसे ज्यादा कमर्शियली अगर अगर मैं अगर इसको हिंदी में समझाने की कोशिश करूं जस्ट गिव अ ट्राई एटलीस्ट गिव अ ट्राई क्वील्स ऑफ कमर्स का मतलब है कि जैसे कमर्स आपका जो ये है इकोनॉमिक टर्म में सबसे ज्यादा इसमें से कौन सा ऐसा आपका स्पाइस है जो सबसे ज्यादा यूज होता है एज अ मतलब कि जिसको आप ये कहते हो कि कमर्स की जान बसती है जिसके अंदर काइंड ऑफ ठीक है मेरे को एग्जैक्ट वर्ड अभी एकदम से रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ किसे कहोगे आप कि इस स्पाइस के साथ कमर्स बहुत अच्छा वर्क करता है या रू है ये कमर्स की कैसे बोलोगे टर्मरिक सिनेमन जिंजर या नट बैग अब बताओ थोड़ा सा ट्राई करो इट्स ओके इफ इट गेट रॉन्ग इट्स इट्स ओके अगर गलत भी हो जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बट एटलीस्ट लीस्ट अच्छा सिनेमन इट्स लाइक टर्मरिक सिनेमन कोई कह रहा है नट बैग है कोई कह रहा है जी इट्स लाइक सिनेमन इट्स लाइक जिंजर जिंजर भी है किसी का सी भी है ओके ए करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी दैट इज सिनेमन सिनेमन को कहा जाता है क्विल्स ऑफ कमर्स ठीक है चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं सारे के सारे स्पाइसेस के बारे में थोड़ा आपको रिकॉल हो जाएगा सो दिस इज लाइक योर टर्मरिक जिसे बेसिकली प्रमोट किया जाता है एज अ डायट्री सप्लीमेंट फॉर दराइटी ऑफ कंडीशन जैसे कि अर्थराइटिस हो गया ठीक है डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स है रेस्पिरेटरी है बेसिकली ना टर्मरिक इज़ लाइक योर एंटी ऑक्सीडेंट एंटी इन्फ्लामेटरी ऐसा होता है जैसे अगर बॉडी के अंदर कहीं पे सेल्स में अगर कहीं पे भी स्वेलिंग है इन्फ्लामेशन है रेडनेस है तो वहाँ आप टर्मरिक को यूज़ करते हैं पेन किलर की तरफ भी आप टर्मरिक को यूज़ करते हैं राइट right? तो ये वहाँ पर आपका यूज़ होता है लीवर की डिजीज हो डिप्रेशन हो कोई भी तरह की ऐसी चीज़ हो इन्फ्लामेटरी हो एलर्जिक हो तो वहाँ पर यूज़ की जाती है टर्मरिक उसके बाद सिनेमन इज आल्सो यूज्ड एज दी एंटीऑक्सीडेंट है एंटी इंफ्लेमेटरी है एंटी डायबिटिक है एंटी माइक्रोबियल है एंटी कैंसर है तो इसलिए इसे क्वेल्स ऑफ कॉमर्स कहते हैं बिकॉज़ इट इज हैविंग ऑल द प्रॉपर्टीज जो आप एक-एक स्पाइस के अंदर देख रहे हो एक अकेले सिनेमन के अंदर की सारी की सारी चीजें हैं ठीक है ठीके? तो सिनेमन को हिंदी में क्या कहते हैं ठीक है सो इट्स अ लिपिड लोअरिंग है यानी कि किसी को कोलेस्ट्रॉल है तो एकदम कम हो जाएगा लिपिड लिपिड्स आर लाइक स्टीरोइड वो आपके कम हो जाएंगे वहां पर फैट्स कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस है उसको कम करने में काम आता है और इसके पास एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स क्योर करने की भी एक कैपेबिलिटी होती है जिसे हम कहते हैं पार्किंसन डिजीज एंड एल्जाइमर्स डिजीज यस इट्स डाल ठीक है सो इट्स लाइक योर सिनेमन और फूड फ्लेवरिंग और मेडिसिन की तरह जिंजर को यूज किया जाता है जिसके पास केमिकल्स होते हैं नोजिया और स्वेलिंग बेसिकली इन दो चीजों को ये कवर करता है एंड इट बेसिकली वर्क ऑल्सो ऑन दी नर्वस सिस्टम बट इट इज हैविंग अ माइट ऑल्सो आपको क्वेश्चन ऐसे ही आता है स्टेटमेंटल आता है सो so, स्टेटमेंट अगर आप पढ़ोगे इट्स लाइक बट दे माइट हैव मतलब कि इसके पास कोई प्रूफ नहीं है मतलब हमारे पास कोई मेडिकल ऐसे proofs नहीं है एविडेंसेस नहीं है जहां पर ये प्रूफ किया जा सके कि जिंजर जो है वो आपके नर्वस सिस्टम और ब्रेन में भी अच्छे से फंक्शन करते हैं बट वी डू हैव द फॉर द सिनेमन इसलिए सिनेमन को कहा जाता है क्विल्स ऑफ कमर्स आई होप दैट इट्स क्लियर नाउ ठीक है तो थोड़े से टिपिकल क्वेश्चन है अगर आप इसे गो थ्रू हो जाते हैं तो यूनिट प्रिपेयर हो जाएगा आपका चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लीव्स यूज फॉर रैपिंग टबैको इन अ बीडी आज कौन से लीव्स होते हैं वो कौन से लीव्स को यूज किया जाता है जो बीडी बनती है कौन से पत्तों की बनती है वो बीडी के ऊपर जो लीव्स है जो यूज किए जाते हैं वो कौन से लीव्स होते हैं टी लीव्स टेंडो लीव्स करी लीव्स लीव्स ये तो बहुत ही सिंपल है ये तो मैंने क्वेश्चन भी ऐसा रखा कि थोड़ा ऐसे लगे कि हाँ ये आता है कौन से लीव्स को आप बीडी बनाने में यूज करते हैं इंडस्ट्रीज यूज करती हैं। बी बी तेंदू लीव्स बी ओके यस द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी दैट इज तेंदु लीव्स और आपको अब ये बताना है कि ये कहां से एक्सट्रैक्ट होते हैं एक्स्ट्रैक्टेड बाय कौन से एक्स्ट्रैक्शन जो है वो उसकी कहाँ से होती है तो ये एक्स्ट्रीमली टी लीवस जो है अगर हम टी लीवस की बात करें से दे आर एक्सट्रीमली एब्जॉर्बेंट तो ये एलिमिनेट करती है ऑर्डर्स को अगर करी लीव्स की बात करते हैं तो दे आर बेसिकली इन दी ट्रीटमेंट ऑफ अनेमिया डायबिटीज इन डाइजेशन ओबेसिटी ऑन एंड योर लाइक किडनी प्रॉब्लम्स एंड स्किन प्रॉब्लम्स के लिए आप करी लीव्स को यूज़ करते हैं बेसिल जो है जिसको आप तुलसी कहते हो इट्स एन हर्ब इसके पार्ट्स को जो है आप क्या करते हो यूज करते हो एज अ मेडिसिन तो स्टमक प्रॉब्लम जैसे कि स्पाज्म है लॉस ऑफ एपिटाइट है वहां पर हम बेसिल को यूज करते हैं आपको होमवर्क करना है कि तेंदु लीव्स जो हैं आपके ये बेसिकली किस तरीके के लीव्स हैं कौन से प्लांट है ऑब्वियसली कहाँ पर इसको ग्रो किया जाता है और इसके जो लीव्स हैं उनमें क्या स्पेशलिटी है इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपको आ सकता है किसी भी तरह का क्वेश्चन आ सकता है मैं तो कमर्शियल यूजेस आपको बता रही हूँ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बता रही हूँ प्लांट्स की चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन द प्लांट इज नोन एज द ग्रीन गोल्ड ऑफ इंडिया इंडिया का जो भी यहां पर आपका आंसर होगा उसे कहा जाता है इंडिया का ग्रीन गोल्ड क्योंकि इसके पास इसकी इकोनॉमिक यूजेस बहुत ज्यादा है और डिपेंडेंसी ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ रूरल पीपल

दैट्स लाइक ट्रू पार्टिसिपेशन जहाँ पर एवरीबडी इज पार्टिसिपेटिंग एंड एवरीबडी इज आंसरिंग हाँ जी द आंसर इज यर सी दैट इज़ बेंबू तो बेंबू इज द प्लांट विच इज नोन एज द ग्रीन गोल्ड ऑफ द इंडिया अब अगर हम बात करते हैं साल ट्री की अब बेंबू तो हमारा क्लियर हो गया कि इसको ग्रीन गोल्ड कहते हैं और इकोनॉमिकली इसको यूज़ किया जाता है अब बचते हैं हमारे पास जो अदर ऑप्शन है जैसे कि हमारे पास साल ट्री है तो ये लीव्स हैं साल के लीव्स और बार्क ठीक है तो दो चीजें हैं साल ट्री की लीव्स और बाक्स उनको यूज किया जाता है टू ट्रीट द लेप्रेसी दिस कोड आल्सो भी द क्वेश्चन तो जरूरी नहीं है कि जो हमने क्वेश्चन देखा है कि बैंबू पे क्वेश्चन आए हो सकता है आपको लेप्रेसी पर क्वेश्चन आ जाए कि लेप्रेसी को जब ट्रीट किया जाता है तो कौन से प्लांट्स से आप एक्सट्रैक्ट करते हो मेडिसिन तो लीव्स और बाक यूज की जाती है साल की फॉर द लेप्रेसी वोन्स कफ गनोरिया हेड एक डायरिया एंड विजाइनल डिस्चार्जेस इनके लिए साल की लीव्स और बाग से मेडिसिन बनाई जा सकती है तो इकोनॉमिक वैल्यू जो है पाइंस की अगर मैं कहूं सर बेसिकली इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द पेपर प्रोडक्ट्स ठीक है या फिर इंडस्ट्रीज बनाने के लेकिन दे आर आल्सो चीफ सोर्स ऑफ दर्पनटीन ऑयल रोजन ऑयल्स वुड ये सब कुछ आपके कहा एडिबल लीव नहीं है पाइन के एडिबल क्या है सीड्स है इनको एक पार्ट के सीड भी होता है फ्लार भी होता है लीव भी है बार्क भी है हर एक प्लांट की अलग अलग चीज से अलग अलग चीजें एक्सट्रैक्ट की जाती है

टीक वुड जो है इट्स लाइक अ लेदर लाइक स्मेल तो जब ये फ्रेशली माइल्ड होता है तो इट्स बेसिकली वैल्यूड फॉर इट्स ड्यूरेबिलिटी एंड द वाटर रेजिस्टेंस तो टीक वुड को क्यों यूज किया जाता है फॉर इट्स ड्यूरेबिलिटी एंड द रेजिस्टेंस अगेन द मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ठीक है यहाँ से भी आपको क्वेश्चन आ सकता है टीक ट्री पे क्वेश्चन आ सकता है ठीक है तो वुड जो है इट इज बेसिकली फॉर द बोट बिल्डिंग एक्सटीरियर कंस्ट्रक्चर वनीर आपका फर्नीचर कार्विंग टर्निंग्स एंड वेरी स्मॉल प्रोजेक्ट्स तो इसमें आपका टीक वुड यूज होता है ठीक है तो ये कैसी चीजें हैं जहां पर आप इसीलिए मैं आपको रही हूं, जब की या करें, एफिड्रा है, एफिड्रा से एक ड्रग निकलता है जिसे हम एफिड्रीन कहते हैं ठीक है अब आपसे ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो एफिड्रा है वो कौन सी फैमिली के अंदर प्लेस्ड है एफिड्रा प्लांट जो है वो कौन सी फैमिली है या

स्टिमुलेंट्स की तरह यानी कि ये आपके हार्ट से रिलेटेड डिजीजेस को कवर कर सकते हैं दैट इज योर पॉपी या फिर बेलाडोना कौन सा ऐसा प्लांट है जिसके ड्रग को यूज किया जाता है फॉर दी ट्रीटमेंट ऑफ दी दर्क्यूलेटरी डिसऑर्डर्स यानी कि ये हार्ट से रिलेटेड है तो जो ड्रग होगा वो ऑब्वियसली सेंसिटिव होगा अब हर कोई प्रोडक्ट आप यूज नहीं कर सकते एफेड्रेसी फैमिली एफेड्रा यस करेक्ट ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपको ठीक है? तो मैं भी वरिड हो गई हूँ कि क्वेश्चन पेपर जो है वो सिंपल नहीं आएगा बट बहुत अच्छा पेपर आएगा अगर आपने लाइन टू लाइन चीजों को पढ़ा है नोट्स पढ़ के जाना मैक्सिमम चीजें देखो एक होता है एक आपके पास नोट्स हैं एक होता है कि आपकी बेसिक कॉन्सेप्ट्स की अंडरस्टैंडिंग आपने इलेवेंथ ट्वेल्थ के अंदर जो आपके एन हैं अगर वो बहुत अच्छे से की है आपने उनके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से पता प्लस आपको जो नोट्स प्रोवाइड किए गए हैं अगर आप वो कर लेते हैं आपके मैक्सिमम चीज़ें कवर हो जाएंगी मैक्सिमम हाँ जी बी करेक्ट आंसर इज योर ए दैट इज फॉक्स ग्लोव प्लांट जहां से आपके मायोकार्डियल मसल भी है और हार्ट की मसल से रिलेटेड है सो दिस इज दी आंसर तो जो आपके रोवल्फिया है एक्सपेक्टेड डेट ऑफ एग्जाम अब तो ऐसा लगता है जैसे मे में, में एग्जाम हो सकता है बट अभी तो कुछ लग नहीं रहा है, बाकी यू नेवर नो की वो कब कैसे क्या कर दे उन कुछ भी नहीं पता उनका सर so, रॉ जो आपका रॉ वोल्फिया एल्कोलॉइड है वो आपके जनरल क्लास ऑफ मेडिसिन से बिलोंग करते हैं जिन्हें हम एंटी हाइपर कहते हैं या हाइपर कहते हैं तो दे बेसिकली यूज इन टू द ट्रीटमेंट ऑफ हाई ब्लड प्रेशर यानी हाइपर तो आपने रॉ वोल्फिया जो बताया है इट इज़ बेसिकली फॉर दी हाई ब्लड प्रेशर अगर ब्लड का फ्लो ज्यादा हो जाए बॉडी के अंदर राइट पॉपी प्लांट जो है basically, basically the opium, the है है बेसिकली बेसिकली दी ओपियम 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 द पावरफुल ड्रग तो के अंदर जैसे आपका दिस इज इंपॉर्टेंट वन ये आपका ड्राइव होता है और अलग जो अदर आपके डेरिवेटिव है पॉपी के दैट इज और मॉर्फिन है कोडीन है हेरोइन है या ऑक्सीकोडोन है तो ये सब आपके वहां से आपके एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं अब फॉक्स क्लोव जो है वो एक केमिकल कंटेन करता है जिससे आपके क्या होता है एक कैमिकल है जिसका नाम है डिग्जोसिन या डिगोक्सेन या लेनोक्सिन जो है इट इज मेड तो देखो ये बिल्कुल ही डेप्थ में हो गया है अब इससे डेप्थ में तो आपको क्वेश्चन नहीं आएगा हो सकता है कि आपको ऐसे जैसे फॉक्सक्लोव ना आए या आपको कोई केमिकल आ जाए विच इज बिंग यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ योर मायोकार्डियल स्टिमुलेंट्स की तरह या आपके हार्ट सर्कुलेशन के डिसऑर्डर्स को ट्रीट करने के लिए कौन सा केमिकल यूज किया जाता है कौन सा ड्रग यूज किया जाता है अगर ड्रग पे क्वेश्चन आता है सो दिस इज इज वन दैट या फिर या आपका डिगोक्सिन तो इसको आप यूज कर सकते हैं दिस इज इंपॉर्टेंट वन मार्केट इंपॉर्टेंट चाहे तो आप इसको पीडीएफ आपको मिलती है इसको एक बार गो थ्रू जरूर कर लीजिएगा ठीक है तो ये बेसिकली क्या करते हैं ये आपके हार्ट मसल्स की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करते हैं ताकि जब वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो तो उनमें किसी भी तरह का कोई इशू ना आए और उसके बाद हार्ट के रेट को चेंज करते हैं और हार्ट के ब्लड आउटपुट जैसे स्ट्रोक वॉल्यूम्स हैं इनको भी इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं फिर बचता है आपके पास लास्ट वन दैट इज अ बेलाडोना बेसिकली इट इज यूज फॉर दी हेड एक एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन और इरिटेबल बोवल सिंड्रोम्स अमंग अदर्स बट बेलाडोना के कोई स्ट्रांग एविडेंसिस नहीं है तो इसको बहुत ज़्यादा जो है वो रिकमेंड नहीं किया जाता ठीक है तो मैंने आपको हर चीज़ बता दी कौन सी ड्रग जो है वो कहाँ पर यूज़ हो रही है वो हमें हमें ध्यान में रखना है चलिए नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट सोर्स असेंशियल ऑयल का विच इज़ बींग यूज इन दी मॉस्किटो एंड वर्मिन रेपलेंट्स और इसके वेपर्स जो हैं वो रिलीफ देते हैं कफ से इन क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस अस्थमा में ओफन दे आर प्लांटेड टू टू दी टू रिक्लेम स्वैम्प्स तो वो कौन से हैं कौन से यूज किए जाते हैं सैंडलवुड सिट्रस वुड सिडार वुड या ब्लू गम ट्री किसे आप देखो इसमें बड़े सारे इस एक क्वेश्चन में बड़े सारे यूजेस हैं हाँ जी ठीक है तो इसमें बड़े सारे यूजर्स हैं एक ही क्वेश्चन में कई सारे आपके यूजर्स पूछ लिए गए और एक ही उसका आंसर बनेगा ध्यान से देखो ध्यान से सुनो देखो जब ऐसा कोई क्वेश्चन हो मान लीजिए आपको क्वेश्चन पेपर के अंदर ऐसा क्वेश्चन आया है मार्क ओवर हेयर और राइट डाउन दी की इस क्वेश्चन के की लिखिए पहले सबसे पहली बात तो यह है कि उससे ऑयल निकलेगा तो इसमें से सोर्स ऑफ असेंशियल ऑयल एन इंपॉर्टेंट सोर्स है यानी कि असेंशियल ऑयल एक्सट्रैक्ट हो सकता है दूसरा है मस्किटो रेपेलेंट की तरह यूज किया जाता है मस्किटो रेपेलेंट या फिर वमन की तरह यूज किया जाएगा तीसरी चीज है कि इसके जो वेपर्स हैं वो कफ में यूज होते हैं तो सिट्रस के जो ट्री है जैसे आप सी कह रहे हो सी इज लाइक सिडार वुड ट्री तो सिडार को क्या आप एज अ वेपर फॉर द कफ मैक्सिमम ऑन एन मेजोरिटी ऑफ द केसेस डू यू यूज देम सिडार को सिट्रस को या संदल को संदल वुड चंदन संदल वुड जो है आपका या फिर ब्लू गम ट्री विच वन इज द इम्पोर्टेंट वन ये आपके की वर्ड है इन की वर्ड को ध्यान में रखना है जो भी आपका आंसर होगा वो इन तीनों चीजों को फुलफिल करता है तीनों चीजों को ऑयल भी निकलेगा मस्कीटो रेपेलेंट भी है और वेपर्स की तरह यूज किया जाता है फॉर दस्थेमेटिक कंडीशन है किसी को तो उनकी कंडीशन को इंप्रूव करने के लिए अब आपको आंसर देना है कि विच इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी दैट इज ब्लू गम ट्री ठीक है क्योंकि आप सिट्रस को in, आप सिलेट तो चलो मान सकती हो मैं रेपलेंट की तरह आप यूज कर सकते हो उसको बट सिट्रस ना ज्यादातर यूज होते हैं इम्यूनिटी बूस्टर्स के लिए ये इसमें से जो ड्रग्स निकलते हैं दे आर बेसिकली फॉर द इम्यूनिटी बूस्टिंग यस आंसर इज डी टी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉपुलर नॉन एल्कोहलिक बेवरेज है वर्ल्ड के अंदर तो एल्कोलॉइड विच द रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टीमुलेटिंग एंड रिफ्रेशिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टी सिंपल सी बात बताऊं इसमें यह बोला गया है कि चाय में कौन सा कौन सा ड्रग होता है चाय के अंदर कौन सा चीज जो है वो प्रेजेंट होती है दैट इज टैन थियोल थीन या फिटानिक एसिड विच वन इज प्रेजेंट इन टू दी चाय चाय पीते हो ना उसमें क्या है ऐसा जो इतना कैरेक्टरिस्टिक फीचर उसका आपको देखने को मिलता है वो इतनी ज्यादा तो स्टीमुलेंट है और वो नॉन एल्कोहलिक बेवरेज है जो रिफ्रेश कर देती है आपको नींद आ रही है तो चाय पी लो ऐसा क्या है उसका? उसके ऑब्वियसली अंदर कोई एक ऐसा ड्रग है जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर दिस स्टिम्युलेशन एंड फॉर दिस रिफ्रेशिंग एबिलिटी तो वो कौन सा है डी सी क्या करेक्ट आंसर इज सी दैट इज थीन जिसे आप कैफीन भी कहते हैं तो कैफीन जो है वो चाय के अंदर होता है विच इज बेसिकली कैफीन होता है ये कैफीन को ही थीन को कैफीन ही कहते हैं तो आपको क्या करना है कंफ्यूज नहीं होना है थीन और कैफीन जो है मोस्ट पॉपुलरली कैफीन वर्ड यूज किया जाता है बट कैफीन और थीन एक ही मतलब है ये अलग अलग नहीं है तो इनको अलग अलग मत समझ लेना ये एक ही मतलब है और है या तो आप थीन बुला लीजिए या आप कैफीन बुला लीजिए एक ही मतलब है तो कैफीन इज द करेक्ट आंसर यानी कि करेक्ट आंसर और ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी आप चाहे तो आप इन को पढ़ सकते हैं यू नेवर नो आपको कहां से आ जाए। मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन है आई होप वेटिवर जिसे आप खसखस कहते हैं खसखस ऑयल जो होता है वो ऑब्टेन किया जाता है वेटिवर प्लांट ऑब्वियसली वो उसके प्लांट से यूज किया था, perfume, के अंदर प्राइमरी ऑयल इल्डिंग पार्ट ऑफ द प्लांट इज़ तो ये जो खसखस ऑयल -खस है जो भी हम ये सारी चीज एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं है, इसको जो आपने सुना होगा वो क्या है बेसिकली उसको जो ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं उसको बेसिकली कहां से एक्सट्रैक्ट करते हैं लीव से करते हैं स्टेम से करते हैं रूट से करते हैं या फ्लावर से करते हैं सी बी डी रूट A. लीव्स रूट्स ओके चलिए चलिए on. Yes, D. Okay. देखो खसखस ऑयल -खस है जिसको प्लांट से एक्सट्रैक्ट किया जाता है एक्सटेंसिव यूज जो है खसखस -खस का वो कहां पर है परफ्यूमरी परफ्यूम्स के अंदर है या मेडिसिन के अंदर है तो इसको कहाँ से एक्सट्रैक्ट करेंगे स्टेम रूट लीव्स फ्लावर्स ए बी सी या फिर डी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी दैट इज रूट्स जिन्होंने बी आंसर किया है दैट इज द करेक्ट वन आपकी रूट्स से इसको ऑयल को जो है इट इज इट हैज बीन एक्सट्रैक्टेड आउट ठीक है इसे खस की जड़ भी कहते हैं या लवनचा रूट भी कहते हैं सो दिस प्लीज इसे रिमेंबर एक बात जरूर देख लीजिएगा जड़ यानी खसखस को हम खस की जड़ भी कहते हैं और लवंचा रूट भी कहते हैं इंडिया में नेटिव है पर ये आपको ट्रॉपिकल रीजन में भी मिल जाएगा वर्ल्ड में राइट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दाइबर्स ऑप्टेन्ड फ्रॉम दिस प्लांट आर एम्प्लॉइड इन द मैन्युफेक्चरिंग ऑफ सिगरेट पेपर एक हमने बीड़ी वाला किया अब हम एक सिगरेट वाला करेंगे सिगरेट का जो पेपर होता है है ना? उसके अंदर कोर्स उस फाइबर्स देखो हेम्प के बारे में हमने पढ़ा है मैं हिंट दे सकती हूँ हेम्प तो हमने पढ़ा है सन हेम्प पढ़ा है ठीक है और मेनिला हेम्प जो है वो हमने पढ़ा है तो आई थिंक हेम्प तो हमारा आउट हो जाता है मेरे हिसाब से ऐसे कर सकते हो क्योंकि अगर ऐसा कुछ होता तो हम इसको वही पढ़ लेते अगर इसका यूज हेम्प का यूज आपके सिगरेट में होता तो मैं आपको डेफिनेटली वहां पर मेंशन करती ठीक है तो मैंने आपको हिंट दे दिया कि होगा भी सी फ्लैक्स ओके

ठीक है कि सिगरेट में भी यूज होता है तो आपके लिए एसेंशियल हो जाता इस हिसाब से क्योंकि मैंने हेम्प का नहीं पढ़ा ठीक है तो हेम्प तो मेरा नहीं होगा जूट फाइबर्स हैं बट स्क्लेरिड इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं चाहे वो फाइबर्स वाले ही हो आपके स्क्लेर का देयर तो वहाँ पर वो नहीं होगा फ्लेक्सीबल होगा सो दिस इज दी आपका

ठीक है तो अगर आपको ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है कि फ्लेक्स का क्या है तो फ्लेक्स का स्ट्रक्चर मैंने आपको यहां पर बता दिया है गो एंड चेक दिस वन स्ट्रक्चर बता देना अपर मिडल ऐसा कुछ ठीक है लेयर्स हैं इसके अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन टर्म एथनोबॉटनी वॉज फर्स्ट क्वाइंड बाय ठीक है तो जो स्टूडेंट्स कोर्स के अंदर एनरोल्ड हैं अगर उनको एथनोबॉटनी नहीं मिल रहा है ठीक है जबकि वो उसके अंदर है बट कई बार इट इस हार्ड टू फाइंड द नोट्स और इस टाइम पीरियड पर आपको कोई चीज़ फाइंड आउट करनी हो तो दैट इज बिकम बिकमिंग मोर डिफिकल्ट ठीक है तो मैं नोट्स के अंदर उनको अलग से फोल्डर बना के मतलब कि उनको एक्सट्रैक्ट करके वहां से एक अलग से पीडीएफ बना के आपको एथेनोबॉटनी वहां पर बता दूंगी ताकि अलग से सेक्शन बना दूंगी ताकि आपको वहां पर दिख जाए एंड यू कैन गेट इट ठीक है तो एथनोबॉटनी मैं आपको वहां पर क्लियर कर दूंगी तो परेशान होने की जरूरत नहीं है एथेनोबॉटनी जो बेसिकली क्या है ये इसमें जैसे ना वो आपके जैसे ट्राइब्स होती हैं कुछ कुछ होते हैं जो आपके प्लांट्स की प्रिजर्वेशन या उनकी कंजर्वेशन में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं तो उसे हम एथनोबॉटनी कहते हैं तो इंडिया के कंटेक्ट में एथनोबॉटनी कितना रेलिवेंट है वो आपको ट्राइब्स पे क्वेश्चन आ सकता तो एक क्वेश्चन आने के चांसेस आपके एथनोबॉटनी से है और वो

रिया आप होंगे दिस इज फॉर द पी ठीक है पीजीटी के अंदर इकोलॉजी है कम लग रहे हैं कोई बात नहीं आपको फिर और नोट्स मिल जाएंगे ठीक है अगर किसी को नोट्स कम लग रहे हैं कि ये थोड़े वो हैं, कम है देखो हर एक नोट जो होता है ना वो आपके एग्जाम की रेलिवेंस को देखते हुए बनाया जाता है तो टीजी टी इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम पी जी टी पी जी टी इज लाइक मास्टर्स लेवल जहाँ पर आप बहुत सारी चीजें एक्सपैंड वे में करते हैं राइट right? अगर आपको वो लग रहा है या कि आपको और एक, एक, एक्स्ट्रा चाहिए तो आई प्रोवाइड दम एज वेल हाँ हाँ टी जी टी में जितना रेलिवेंट है उतना ही देखो किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए ना आप एक्स्ट्रा पढ़ोगे इट्स लाइक वेस्टेज ऑफ टाइम तो आपको क्या करना है कि आपको क्या करना है आपको उस पर ध्यान देना है राइट right? तो अगर आपको लगता है कि आपके पास आपको लगता है कि वो नोट्स कम है तो आई विल प्रोवाइड देम एज़ वेल ठीक है तो एक्स्ट्रा प्रोवाइड करवा दूंगी कोई प्रॉब्लम नहीं है चलिए द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए दैट इज डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर्स और ये आपका एथनोबॉटनी का पार्ट है ठीक है पीजीटी में तो इकोलॉजी के नोट्स हाईली वो हैं एडवांस है पीजीटी के नोट्स अलग हैं इकोलॉजी के और टीजीटी के अलग हैं हाँ ज्यादा है पीजीटी के लिए अगर आप पीजीटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो टीजीटी वाले नोट्स टीजीटी वाला पीजीटी में नहीं चलेगा मैं पहले बता देती हूं तो अगर आप में से कुछ एनरोल्ड हैं तो वो एक साथ नहीं चलेंगे राइट टीजीटी के लिए टीजीटी वाले नोट्स चलेंगे पीजीटी के लिए समथिंग डिफरेंट तो उसके लिए नोट्स अलग हैं ठीक है जिया तो वो आप वहां से देख लेना एक बार अगर आप कोर्स के अंदर एनरोल्ड हैं पीजीटी में कुछ ज्यादा है कुछ नहीं बहुत ज्यादा है पी के अंदर जो आपका इकोलॉजी का सिलेबस आया है वो आप देखोगे तो वो पूरा आपका ऐसा है जिसके अंदर आपके कंजर्वेशन के प्लान हैं बायोडावर्सिटी कंजर्वेशन है फॉरेस्ट एक्ट है, है फिर आपके वो भी है इंसीटू एक्सिटू कंजर्वेशन हैं आगे आपके साइट्स हैं बहुत सारी ऐसे इंडिया का क्या कंटेस्ट है बायोडावसटी कंजर्वेशन के लिए ये सारी चीज़ें आपके इकोलॉजी के अंदर आएंगे राइट चलिए सो सी ए जो है दिस इज द करेक्ट आंसर दैट इज डॉक्ट्रीन ऑफ सिग्नेचर्स तो ये आपकी फिर आती है डॉक्ट्रीन ऑफ होम्योपैथी व्हिच इज बेसिकली वो क्या कहती है जैसे डॉक्ट्रीन ऑफ होम्योपैथी क्या कहती है वो हाँ बहुत ज्यादा है ठीक है सो दिस इज लाइक डॉक्ट्रीन ऑफ होम्योपैथी ये बोलता है कि कभी एक सब्सटेंस जो सिम्टम्स कॉज करता है एक डिजीजेस के हेल्दी पर्सन के अंदर वही सिमिलर सिम्टम्स को सिक पीपल के अंदर क्योर कर सकता है कहने का मतलब है कि अगर एक पीजीटी में नहीं हो ये जो पीजीटी वाला कोर्स है दिस इज डिफरेंट वन चलिए चलो इसका कुछ सोल्यूशन निकाल देंगे रिया डोंट वरी चलो दिस इज लाइक डॉक्टरिन ऑफ होम्योपैथी जो कि बेसिकली ये कहती है कि मान लीजिए कि एक हेल्दी पर्सन है उसके अंदर अगर सिम्टम्स आते हैं एक सब्सटेंस जो कॉज करता है सिम्टम्स को हेल्दी पर्सन के अंदर एक डिजीज के सिम्टम्स वही सिम्टम्स को वही जो है दैट वुड आल्सो क्योर द सिमिलर सिम्टम्स इन सिक पीपल इस डॉक्ट्रिन को हम कहते हैं सिमिलर सिम या फिर क्योर एंड क्योर या फिर ये कह सकते हो लाइक क्योर लाइक दो दिस इज कॉल्ड एज वो आपकी जो होम्योपैथी है वो इस पे काम करती है ठीक है पे काम करती है, का मतलब है।, है वो ये बोलती है डायरेक्ट इन्फ्लुएंस फ्रॉम है फ्रॉम डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ दी हाँ कर सकते हो तुम्हारा एग्जाम वैसे मुझे लगता नहीं है ये भी होगा ज्वाइन कर सकते हो रिया नोट से तो कर सकते हो देखो नोट्स ना अगर कोई एनरोल्ड है एंड इफ दे आर रीडिंग द नोट्स

प्लांट से ऑप्टेन किए जाते हैं ठीक है बट दे डू नॉट इेट यहां पर वो कौन से ऑयल्स 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 होते ऑयल ऑयल कॉस्टली नन ऑफ ऐसे कौन से हैं जो इवेपोरेट नहीं होंगे ना ही वो वोलाटाइल बनेंगे कुछ ऐसे ऑयल्स होते हैं जिनको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं तो वो इवेपोरेट नहीं होते हैं वो कौन से ऑयल्स हैं फिक्सड ऑयल्स डेलीकेट ऑयल्स कॉस्टली ऑयल्स नन ऑफ द Yes, the correct answer is A. That is fixed oils, costly oils, so costly. Hai. तो वो तो नहीं होगा नन ऑफ द अब नहीं है अब कंफ्यूजन होती है आपकी दो में जिसे हम कहते हैं फिक्सड ऑयल्स या फिर डेलीकेट ऑयल्स तो डेलीकेट ऑलिव ऑयल जो है इट इज बेसिकली मेड विद द्स जिनको हम लेटर ऑन स्टेजेस के अंदर एक्सट्रैक्ट करते हैं राइपनेस के बाद भी बाद में लेटर ऑन स्टेजेस के अंदर करते हैं स्मूद और बटरी टेस्ट होता है तो फ्रूटीनेस आपको नोज के अंदर या स्लाइटली जो है पेपरी फिनिश आपको इन ऑयल्स के अंदर मिलेगा डेलिकेट ऑयल्स के अंदर लेकिन फिक्स्ड के अंदर आपको ऐसा कुछ नहीं मिलेगा हाँ जी फिक्स्ड ऑयल इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन विच वुड इज क्वालिटी वाइज कंसीडर्ड द बेस्ट फॉर पेपर मेकिंग अगर कोई पेपर इंडस्ट्री है एंड इफ एंड दिस पेपर इंडस्ट्री वॉन्ट्स टू एक्सट्रैक्ट दसली क्वालिटी ऑफ वुड तो वो कौन सी वुड से एक्सट्रैक्ट करेंगे कौन सी वुड जो है वो बहुत अच्छी होगी वुड विद लॉन्ग फाइबर जायलम टिशूज वुड विद शॉर्ट फाइबर जायलम टिशूज सॉफ्ट वुड हार्ड वुड कौन सी वुड को यूज करेंगे आप पेपर इंडस्ट्रीज के अंदर पेपर बनाने के लिए ए बी सी या फिर डी लॉन्ग फाइबर्स होने चाहिए शॉर्ट फाइबर्स होने चाहिए सॉफ्ट वुड वुड हार्ड कॉन्सेप्चुअल दिस इज अ हार्डवुड बेस्ड ए दैट इज ऑब्वियसली लॉन्ग फाइबर्स और जाइलम टिश्यूज इनको यूज किया जाता है आपका फॉर पेपर क्वालिटी ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दब आर यूज फॉर

और अदर इंग्रेडिएंट्स उसके अंदर यूज होते हैं स्पाइसेस आपकी ड्यूरिंग द प्रेपरेशन ऑफ मील यूज किए जाते हैं जबकि कॉन्डिमेंट्स जो है वो बाद में जब खाना बन जाता है उसके बाद जो आप ऐड करते हो उन्हें आप कॉन्डिमेंट्स कहते हो और स्पाइसेस जो है वो गार्निश के लिए यूज नहीं होता है लेकिन कॉन्डिमेंट्स यूज एज गार्निश और इवन एज अ साइड मील तो कॉन्डिमेंट उसको कहते हैं तो जिसको भी कंफ्यूजन हो स्पाइसेस और आपके कॉन्डिमेंट्स टू बी अ रेमेडी फॉर द प्रैक्टिकल ऑल इल्स सारी बीमारियों के लिए एक चीज आप क्या यूज करते हो अनियन जिंजर गार्लिक टर्मरिक विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पॉपुलरली बिलीव्ड टू बी अ रेमेडी फॉर फॉर दैक्टिकली ऑल इी डी मैक्सिम नहीं करेक्ट आंसर इज सी दैट इज गार्लिक अच्छा मेरी बात सुनो किसी के दान समय दर्द होगी तो वो टर्मरिक कैसे रखेगा वहां पर गार्लिक होता है अगर आपको uh, ग्लान्स की इशू है तो गार्लिक यूज होता है सो गार्लिक जो है दिस इज द मेजर वन इट्स नॉट डी इट्स सी गार्लिक चलिए वन इज फॉर अल्सर ऑफ स्किन स्किन में यूज होता है एंड टू द हार्ट कौन सा यूज किया जाता है अब देखो एक चीज याद रखो इसके अंदर दिस इज योर क्या पूछा गया है हार्ट की स्टिमुलेशन हमने भी थोड़ी देर पहले किया था एक केमिकल है जिसे हम यूज करते हैं फॉर दी हार्ट स्टीमुलेशन मायोकार्डियल स्टिमुलेशन के लिए अब उसमें थोड़ा सा हिंट रखते हुए अगर आपने वो कर दिया यहां पर तो ये आपका आपका यहाँ आंसर बिल्कुल सही आ जाएगा बिल्कुल सही अगर आपने वो पहले वाला प्रीवियस वाला किया होगा तो ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा ध्यान से करो हार्ट स्टिमुलेंट की तरह आप किसे यूज कर रहे थे कौन सा वो एक वो था ड्रग था जो हम एक्सट्रैक्ट कर रहे थे और फिर उसके बाद वो हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में हेल्प कर रहा था हिंट दे रही हूँ मैं आपको सॉल्व करने के लिए क्योंकि मैं चाहती हूँ कि सब सही आंसर कर दे बिल्कुल सही डिगोक्सन अब वहां से क्या एक्सट्रैक्ट बनेगा पहली बात दूसरी चीज बैलाडोना के इतने सारे पर्पजेस नहीं देखे थे हमने हमने कहा था इसकी कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंसेज नहीं है हमारे पास कुछ भी करने के अटोर्पिन जो है या एटॉपिन जो है बेसिकली ये आपका ब्लड से रिलेटेड है बट इट इज नॉट विद हार्ट ठीक है उसके बाद कोडीन जो है इट इज आल्सो बेसिकली विद ड्रग जो कि कहीं ना कहीं नाकटिक्स में हैथस द करेक्ट आंसर इज येट इज डिजिटलिस डिजिटलिस द Correct answer. So, last question of the session is What is the primary purpose of a botanical garden? Botanical garden ka primary purpose kya hota hai? To display sculptures and artwork, to conduct research on wildlife, to conserve and display a wide variety of plant species, to house the exotic animals. आपका जो बोटानिकल गार्डन्स होते हैं इनका प्राइमरी पर्पस क्या होता है या बेसिक पर्पस जो है वो क्या होता है डिस्प्ले कंडक्ट कंजर्व या टू हाउस दिस इज द सिंपलेस्ट वन यस द करेक्ट आंसर इज योर सी दैट इज टू द वैरायटी ऑफ प्लांट स्पीशीज बोटानिकल है बॉटनी है ऑब्वियसली प्लांट्स को प्रिजर्व करेंगे या कंजर्व करेंगे ठीक है सो दट सोल्व फॉर टूडे सेशन आई होप दैट आपको सेशन सेशन जो है वो ठीक लगा हो एंड लाइक एट द सेम टाइम इट्स दिस कुड बी बोरिंग फॉर फॉर नॉट बट सम पीपल क्योंकि ये जो है वो बहुत ज्यादा स्टैटिक है इसके अंदर कोई स्ट्रेटिक लर्निंग नहीं है ठीक है मैंने पहले भी आपसे ये चीज कही है इसको सिर्फ रीड आउट करना है आपको स्पाइसेस कौन कौन से यूज होते हैं कॉन्टीमेंट्स कौन कौन से यूज होते हैं कहाँ से उनको एक्सट्रैक्ट किया जाता है वो कौन सा पार्ट है बस यही चीजें हैं यही आपको पूछेंगे टिक्स में कौन कौन से यूज होते हैं ठीक है ये सारी चीजें आपकी यूज होती है सो दिस इज ऑल अबाउट आवर रिविजन सेशन मेरी तरफ से आपने जितने पांच यूनिट है वी हैव रिवाइज सो लेट्स रिकॉल देम पहला है ठीक है इट्स ओके रिया यू कैन कॉल ऑन द नंबर ऑफिस में आप कॉल कर लीजिएगा टॉक टू यू सो दिस इज लाइक आपका आ, सबसे पहले आपका आता है दैट इज डाइवर्सिटी वन हमने कर लिया डाइवर्सिटी टू हमने किया है फिर सेल बायोलॉजी हमने की है उसके बाद वी हैव डन दिस प्लांट रिसोर्स एंड डेवलपमेंट उसके बाद हमने फिफ्थ यूनिट की थी आपकी फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री ठीक है सो अब क्या है कि अब हमने जब इतनी सारी चीजें हमने कर लिया हमारी पाँच यूनिट जो है पांच में से अगर मैं प्लांट को थोड़ा साइड में रख भी दूं तो चार यूनिट्स ऐसी हैं जो हमने बहुत अच्छे से की हैं आपका रिस्पांस बहुत अच्छा है थैंक यू सो मच अनुपमा ठीक है थैंक यू प्रिया थैंक यू थैंक यू इनविजिबल ठीक है सो अब आपको क्या करना है अभी हमारा सेशन खत्म नहीं हुए हैं ठीक है थेके? तो अगर हमारा नेक्स्ट सेशन होता है सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप वहां पर सारी जो ये पांच यूनिट्स हैं तो अब मैं अगर नेक्स्ट सेशन हमारा होता है इफ़ होता है जब भी होगा तो आप ये मान के चलिए कि उस सेशन के अंदर आई विल कंडक्ट द क्वेश्चन मिक्सचर ऑफ दीज फाइव

एंड यू वॉन्ट एक्स्ट्रा नोट्स ऑन दैट टॉपिक ठीक है तो उसको एक बार ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा या आप यू कैन कॉल ऑन द नंबर आपके पास नंबर है ठीक है जो कोर्स के अंदर एनरोल्ड हैं वो स्टूडेंट्स कॉल कर सकते हैं ठीक है तो आप नोट्स में अगर एडिशन करवाना चाहते हैं तो आप वो करवा लीजिए प्लीज प्लीज़ मेक श्योर कि आप हर चीज़ रिवाइज कर रहे हैं ठीक है तो क्योंकि जब सेंट्रलाइज नोट्स बनते हैं सो आई वॉन्ट एवरीबडी देखो मैं ये चाहती हूँ कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स का पेपर हो जाए और पेपर पढ़े हुए में से ही आएगा ठीक है क्योंकि आप मैंने हिंदी का पेपर देख लिया है तो मुझे श्योरिटी है कि हमने मैक्सिमम चीजें अपने सिलेबस की बहुत अच्छे से की है तो ऐसा नहीं होगा कि आपको कुछ भी नहीं आएगा बल्कि यहां पे हो सकता है कि ये सेशंस आपको कॉम्प्लिकेटेड लगे बट ये फिर आपको वहां पर ईजी लगने लगेगा राइट right? थैंक यू स्वाति थैंक यू सो मच थैंक यू एवरी वन सो सी यू सून एंड विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन नेक्स्ट सेशन के अंदर पांच यूनिट्स में से सारे कलाबरेटिवली हम करेंगे ठीक है जब भी हमारा सेशन होगा अगर हमारा परसों सेशन होता है तो परसों हम इन पांच यूनिट्स की कलाबरेटिवली एम सी क्यूज करेंगे राइट सो so, ये पांच यूनिट्स आपको परसों करके आनी है राइट चलिए थैंक यू सो मच एवरी वन टेक केयर एंड कीप रिवाइजिंग ठीक है और नहीं समझ आता है सो बी इन टच ओके बाय बाय